हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल का चीला। दाल चावल का चीला बहुत ही हेल्दी स्नैक है जिसे बच्चे और बड़े दोनों पसंद करते हैं। आप इस चीले को ब्रेकफास्ट में बना सकते हो। यह बहुत ही हेल्दी हेल्दी होने के साथ साथ बहुत यम्मी और टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम दाल चावल का चीला। चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चना दाल यूज़ किया है। एक कटोरी चना दाल के साथ एक कटोरी चावल लिया है मैंने, थोड़े से लहसुन, नमक, हल्दी पाउडर लिया है मैंने, जीरा, हरी मिर्च, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ऑयल है ये चीला सेकने के लिए, और थोड़ी सी हींग लेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हमें दाल और चावल को भिगो के रखना होगा लगभग 2 घंटे के लिए, ताकि दाल चावल अच्छे से सोख हो जाए। इन दोनों को मैं भिगो दूंगी पहले। 2 घंटे भिगोने के बाद दाल चावल बिल्कुल फूल के सॉफ्ट हो जाता है ये इस तरह से। ये देखिए, मैंने भिगो के रखा हुआ है दाल चावल को, ये अच्छे से फूल गया है। 2 घंटे बहुत होता है इनके लिए। अब हमें इसको पीसना है, इसके लिए मैं मिक्सर जार लूँगी। मिक्सर जार में हमें दाल चावल को डालना है ये इस तरह से। ले लिया मैंने यहाँ पे दाल चावल। इसमें मैं अभी ही बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला दूंगी। ये लहसुन डाल दिया मैंने इसमें, हरी मिर्च, आपको अगर ज़्यादा तीखा बनाना है तो आप और ले सकते हो वो अपने अकॉर्डिंग, नमक टेस्ट के अनुसार। हल्दी पाउडर मैं अभी डाल दे रही हूँ इसमें, सब एक साथ ताकि मिल के पिस जाए। थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए, जीरा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चीला में। और ये थोड़ा सा हींग डालूंगी मैं यहाँ पे। अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद हमारा बैटर कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए, पानी हम अपने अकॉर्डिंग डाल के इसे इस तरह बैटर बना लेंगे। बहुत गाढ़ा नहीं और बहुत पतला भी नहीं। थोड़ा सा जीरा मैं और डालूंगी यहाँ पे, कुछ खड़े जीरा जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चीला में। तैयार है हमारा बैटर चीला बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तवा मैंने गरम कर लिया है पहले से गैस पे चढ़ा के। अब मैं इसमें बैटर डालूंगी। ये इस तरह से फैला देना है हमें बैटर को, पतला चीला फैला लेंगे हम। बड़े आसानी से बन जाते हैं इसके चीले। ये देखिए, गैस का फ्लेम तेज रखेंगे अभी हम। हल्का हल्का ऑयल डाल के सेक लेना है हमें इन्हें। ये देखिए, चीला सिक रहा है, बहुत बढ़िया से सिक जाता है ये चीला, और टेस्ट भी इसका बहुत शानदार होता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए, हल्का हल्का सीख के ऊपर की तरफ दिखने लगा है इसका कलर, आसानी से निकल जाता है ये चीला तवे से। ये इसे मैं सावधानी से पलट लूँगी। ये देखिए, काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होता है। बस हल्का सा ऑयल लगा के दोनों तरफ से सेक लेना है हमें। ये देखिए, ये इस तरह से सिक गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी बाहर। इस तरह से आप सेक सकते हैं। बाकी के चीला भी आप इस तरह से तैयार कर लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 चीला बना लिया है। आप इसे अपने मनपसंद चटनी, सॉस, अचार, दही, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।